यूएई से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई निजी राय तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने सोमवार को देश के पब्लिक सेक्टर के लिए ईद उल फितर की छुट्टियों की घोषणा कर दी। इसके अनुसार छुट्टियाँ रमजान 29 से शव्वाल 3 तक होंगी। एक्सपो 2020 की साइट पर कंस्ट्रक्शन के दौरान आग लग गई। ये हादसा सोमवार को हुआ। दुबई सिविल डिफेंस के फायर क्रू ने घटना स्थान के लिए रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। एक्सपो 2020 के प्रवक्ता ने कहा कि साइट के मलबे से भरे हिस्से में वेल्डिंग का काम हो रहा था, उसी दौरान दुर्घटना से आग लग गई। अबू धाबी पुलिस ने नेशनल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम के दौरान कामों को अपने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मूवमेंट परमिट सिस्टम की घोषणा की, जो कि रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती रहेगी। अगली अपडेट है, अबू धाबी पुलिस ने कहा कि www.abudhabipolice.gov.au की वेबसाइट के माध्यम से रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के दौरान जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर जाने की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस कदम को उद्देश्य है कि कम्युनिटी की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम को प्रयासों के जरिए से सपोर्ट करना। बजट कैरियर फ्लाई दुबई ने सोमवार को घोषणा की कि कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे एहतियातों के उपाय के किस्से ग्रुप में 4 दिन तक अपने प्रति यात्री संचालन को सस्पेंड कर दिया है। दुबई पुलिस ने इलीगल प्रोडक्ट को बेचने के लिए टोबैको प्रोडक्ट सहित 3.5 टन डिफरेंट मटेरियल के स्टोरेज के 6 एशियाई लोगों को गिरफ्तार किया है। शारजहा इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड अथॉरिटी ने कहा कि कुल 52 पावर सप्लाई प्रोजेक्ट पूर्वी क्षेत्र में पूरे हो चुके हैं। शनिवार को यूए की देश के बाहर से फंसे हुए हजारों निवासी लोगों को वापस लाने का प्रयास में फिर से फ्लाइट चालू कर दी है। यूएई में रह रहे बिजनेसमैनों के द्वारा से फ्री टिकट ऑफर किए जा रहे हैं। ये फ्री टिकट ऐसे भारतीय लोगों के लिए है जो घर वापस आने के लिए टिकट के पैसे न दे। फ्लाइट की टिकट पैसे दूरी के आधार पर 700 दिरहम से 750 दिरहम तक आधारित की गई है। ये टिकट उनके लिए जिनकी नौकरी से निकाल दिया गया है या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मलयालम कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से 1,000 फ्री टिकट दिया जा रहा है। जो भी आवेदन करना चाहता है वो freeticket@kerlitv.in पर अपना आवेदन भेज सकता है। आज के लिए इतना ही। कोई कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स